अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो मैं इसमें टाइम स्टैम्प डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना हो या आप चाहते हैं कि मैं 2-3 बार में इस वीडियो को देखूं, तो टाइम स्टैम्प आपको हेल्प कर सकता है। हेलो दोस्तों, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, स्टील स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और इसका जो पिछला वीडियो था 3-4 साल पहले आया था, आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट में जाके या फिर सर्च करके, जो कि बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शंस के बारे में था, तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपके लिए डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है, सलाह तो यही होगी कि पूरी सीक्वेंस पहले आप देख के आएँ, पीछे के जो वीडियोस हैं उसको देख ले पहले, उसके बाद आप इस वीडियो में आएँ। लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्टली भी यहाँ पहुँचे हैं, सर्च बटन में ये टाइप करके कि आपको वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में सीखना है, तो आप सही जगह आए हैं। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, वेल्डेड कनेक्शन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कौन कौन देखे। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे जो वीडियोज़ होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रख के तो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन इतना दावा है कि अगर आप इस वीडियोज़ को देखेंगे, क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं वो हर जगह काम आते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी आप बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या कोई भी रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे या कुछ और भी करेंगे, तब जाके उसका बेनिफिट होगा। मैं देखता हूँ, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा रट रूट के निकल जाऊँगा। कई बार 1% केसेज में, जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऐसे लोग शायद सक्सेसफुल हो जाते हैं कई बार, लेकिन जनरली ये सच नहीं होता है। क्योंकि अगर आप हर चीज़ याद करके, जैसे आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कितने क्वेश्चंस आप याद करेंगे। और अच्छे अच्छे एग्जामों में, जैसे जो स्टेट लेवल का PSC का एग्ज़ाम होता है या IAS का एग्ज़ाम होता है, उन सब में आप ये रट के आपका काम चलेगा नहीं। कुछ PSUs में शायद आप निकाल लें। हाँ, रटने का भी एक और नुकसान है। नुकसान ये है कि जब भी आप कोई चीज़ रटते हैं, याद करते हैं, तो उसका एक लाइफ टाइम होता है, वो ज़्यादा दिन आपके दिमाग में रहता नहीं है। और आजकल जो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, इनका ऐसा पैटर्न है कि आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। कभी भी कोई एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा, हो सकता है 6 महीना तक आप वेट करें और 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाए कि 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पूरा टाइम भी नहीं मिलता कि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ऐसे में क्या होता है कि याद किया हुआ चीज़ें तो याद रहता नहीं है, दिमाग से निकल जाता है। हाँ, आप अगर कोई डेट आपका फिक्स है कि इस दिन एग्ज़ाम है, आपको 2-3 महीने का टाइम मिला है, तब थोड़ा बहुत आपको रटने रुटने का फ़ायदा हो सकता है। बेटर यह है कि चीज़ों को समझ के पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन करने में आसान होता है, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। और जो प्रोफेशनल्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, उनको तो देखना चाहिए अगर वो, और जो सर्च करके आए हैं, जिनको वेल्डिंग के बारे में जानकारी चाहिए, वो अगर यहाँ हैं तो बहुत ज़रूर ही देखें इस वीडियो को। इसके अलावा और कौन देख सकता है? और देख सकते हैं जो फैब्रिकेटर हैं, जो कि इस बिजनेस में हैं, कहीं ना कहीं गाय भगाए इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो भी उनको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर उनको इंटरेस्ट है तो काफ़ी जानकारी इनको मिलेगी, तो ये लोग तो देखें। अब ये वीडियो तो बना रहा हूँ, वीडियो में काफ़ी कुछ है जो कि आपको सिखाएगा, अच्छी बातें हैं, लेकिन एक आज का जो दौर चल रहा है, जैसे मैं देखता हूँ कि काफ़ी मेरे कमेंट्स आते थे पहले, कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तैयारी करते थे लड़के, उनके कमेंट्स आते थे कि सर आप इस एग्ज़ाम को लेके पढ़ा दो या इस एग्ज़ाम को लेके पढ़ा दो। किसी भी एग्ज़ाम को लेके पढ़ाना शायद मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं। मैं तो टाइम निकाल के अपने, मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, सो टाइम निकाल के मैं चीज़ों को बताता हूँ आपको। तो मुझे किसी खास पैटर्न में तैयारी करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होगा, वो मेरे पास अवेलेबल होता नहीं है। इसलिए सॉरी कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके आपको वीडियोज़ बना सकूँ, लेकिन जितने भी वीडियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, वो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, उनको देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो पढ़ाई करना, तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। आज जब चीज़ें आसान हो जाती हैं तो क्रैक हो जाती हैं,
आदमी एग्जाम में पास कर जाता है। तो ये जरूर बेनिफिट है, इसलिए देखना जरूरी है, बाकी आपके ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है। तो ये तो हो गई किसको देखना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं आज के डेज में क्या सीन चल रहा है। देखिए अभी आप लोग आजकल एक शार्क टैंक आ रहा है जी, सोनी टीवी पे आ रहा है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस हैं, और आप में से मुझे दावा है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स भी शार्क टैंक को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा वार्न करना चाहता हूँ वो लोग जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो लोग अभी एकदम एकेडमिक्स में हैं, उनको शार्क टैंक से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल्स एक दो सक्सेस स्टोरी के होते हैं, लेकिन उस एक दो सक्सेस स्टोरी कितना होता है, लाखों में, करोड़ों में एक सक्सेस स्टोरी होता है जो कि अपना इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके या MBA ड्रॉप आउट करके बिजनेस शुरू किया और वो सक्सेसफुल हो गया। ये बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शार्क टैंक तरह का जो प्रोग्राम देख के लोग इतने ज़्यादा हवा में उड़ते हैं, मतलब सपने, इतने ज़्यादा सपने की दुनिया में उड़ने लगते हैं, इतना ज़्यादा सपना देखने लगते हैं कि वो अपने एकेडमिक्स और इन सब चीज़ों से ध्यान उनकी हट जाती है, और उन्हें लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसका बिजनेस करूँगा और बिजनेस मिलियन बिलियन डॉलर्स में तुरंत ही फैल जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना तो ठीक है, सोचिए, लेकिन कम से कम आज का जो आपका काम है, जो आप कर रहे हो, उसको ज़रा ध्यान से करते रहिए, क्योंकि बाद में जब आप किसी तरह एग्ज़ाम पास करके तो इंजीनियरिंग से निकल जाएंगे, फिर से आपको ये चीज़ें ना करनी पड़े, तो बेटर है कि आप एक बार में अच्छे से पढ़िए और जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं अच्छे से क्लियर करिए, उसके बाद शार्क टैंक वाली जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा तो यही सजेशन है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं उसको पहले ध्यान से करिए, पहला तो ये है। अब दूसरा पॉइंट, आजकल दो तीन टीचर इतने ज़बरदस्त यूट्यूब पे फेमस हुए हैं, उनका वीडियो मैं भी देखता हूँ। एक तो है ये खान सर हमारे, अरे भैया कमाल के टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं जो भी है SSC वगैरह के लिए, लेकिन जो उनका जनरल नॉलेज का जो भी है, जनरल स्टडीज़ का जो भी क्लासेज है, मैं कहता हूँ इंजीनियर्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो आपको उनके वीडियोज़ देखने चाहिए, जो भी हैं सारे वीडियो देख लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, और शायद मुझे रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप में से काफ़ी लोग उसको फॉलो करते होंगे, लेकिन गलती से अगर किसी से छूट गया है तो आप लोग ज़रूर उनके वीडियोज़ को देखिए आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में जनरल स्टडीज़ का तो पार्ट होता ही होता है, उसके अलावा भी। एक्चुअली मैं पहले भी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी स्टूडेंट को अच्छा लगना और बुरा लगना सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके टीचर्स के ऊपर। आप जब उस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय आपको कितना इंटरेस्टिंग टीचर्स मिले आपके लाइफ में, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट है, लेकिन देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा गौण हो जाता है अगर आपका टीचर बहुत अच्छा मिल जाए, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ये सब जनरल स्टडीज़ वगैरह में कभी बचपन में इच्छा नहीं हुई, कभी अच्छा नहीं लगा पढ़ने में। साइंस सब्जेक्ट, मैथ्स अच्छा लगता था, लेकिन ये सब नॉन टेक सब्जेक्ट, या ये कहते हैं कि PCM छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मुश्किल, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन खान सर का वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे लाइफ में इतने अच्छे इस क्वालिटी के, इस सब्जेक्ट्स के टीचर मेरे कभी हुए नहीं, जिन्होंने जो मेरे में इस तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में इंटरेस्ट जगा पाते, तो इस वजह से भी शायद मेरे को इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ, मैं अब खान सर के वीडियोस बहुत काफ़ी देखता हूँ जब भी टाइम मिलता है। और दूसरे एक टीचर हैं विकास दिव्यकृति, IAS से दृष्टि करके कोई एक कोचिंग संस्थान है, उसके फाउंडर हैं, काफ़ी बढ़िया टीचर हैं, उनके भी वीडियोज़ आजकल लॉकडाउन की वजह से सारे अच्छे अच्छे लोगों की वीडियोज़ आ गई हैं, उनके भी वीडियोस फॉलो करिए अगर आपके एम है आगे, अगर नहीं भी एम है तो उनके वीडियोस देखिए, लाइफ में आगे कुछ करने का जो है ना, ज़रूर ही आपने कोई ना कोई एम गोल सेट करेंगे और उससे आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आप लोग इन दो टीचर्स को ज़रूर फॉलो करिए, मैं जो फॉलो करिए ना करिए डजेंट मैटर, मैं सजेस्ट करूँगा इन दोनों को ज़रूर फॉलो करिए, और खान सर इसलिए फॉलो करिए क्योंकि उसका नॉलेज आपको ज़रूरी है। दिव्यकृति को फॉलो करेंगे तो आप अपने लाइफ में बड़े गोल सेट कर सकेंगे, आपको लगेगा कि बड़े गोल्स, जैसे IAS का एग्ज़ाम अगर मैं क्रैक करने का कभी आप सोचा भी ना होगा तो आपके लाइफ में एक ऑप्शन आ सकता है।
तो उनके वीडियोस को देखिए, चेकआउट करिए, और लिंक विंक देने की ज़रूरत है नहीं, सर्च करिएगा, बहुत फेमस हैं ये लोग, मिलियन मिलियन व्यूज़ एक एक वीडियो में आते हैं एक एक दिन में, तो आपको भी पता ही होगा, तो कभी नज़र आए तो ज़रूर देखिएगा। एक और है, अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो युद्ध के बारे में हम लोग आगे कभी बात करेंगे अगले वीडियो में, और मैं अब कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपसे मिलूँ, और कम से कम कोई सब्जेक्ट, जैसे अभी मेरा ये है कि अभी ये सब्जेक्ट स्टील पकड़ा है, इसको धीरे धीरे ख़त्म करें, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, ताकि अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको सारा कंटेंट मिले। तो ये एम है, मैं वादा तो नहीं कर सकता, क्योंकि समझ सकते हैं वादे टूट जाते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी हम लोग पढ़ाई लिखाई के बारे में शुरू करते हैं। ये सब जो आप मार्किंग वगैरह देख रहे हैं, ये इसलिए मैं बनाता हूँ बोर्ड पे, ताकि ये जो कैमरा है ना, इसको फोकस करने के लिए, अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड पे फोकस करूँगा तो फोकस इधर उधर हो जाता है। तो देखिए, वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग बेसिकली है क्या कि दो, ऐसे तो दो चीज़ों को जोड़ने का जो एक प्रोसेस है उसको वेल्डिंग कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कहें तो दो मेटल्स को, मेटल पीस को अगर हम जोड़ना चाहें तो जिस प्रोसेस से हम जोड़ेंगे उसको वेल्डिंग कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी मटेरियल के तीन स्टेट होते हैं, कौन कौन सा स्टेट होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, लेकिन लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक चौथा स्टेट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा स्टेट क्या है, लिक्विड और सॉलिड के बीच का स्टेट है। तो वेल्डिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इसी स्टेट में दो मेटल के पीसेस को फ्यूजन कराते हैं प्लाज्मा स्टेट में। मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे ये एक प्लेट है मेटल का, है ना, इसको इस दूसरे एक प्लेट से जोड़ना है, सपोज क्या करेंगे कि लोकली इसको हीट करेंगे, इस जगह को बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पिघलने के पहले कौन से स्टेट में आएगा, प्लाज्मा स्टेट में। तो जब ये प्लाज्मा स्टेट में आएगा, तो जब प्लाज्मा स्टेट में आते तो इसके मॉलिक्यूल आपस में घुल मिल जाएंगे, जैसे जैसे घुल मिल जाएंगे, और फिर आप उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो जुड़ के ठंडा हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस होता है वेल्डिंग का, और उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हम लोग एडॉप्ट करते हैं। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसका एक अपना फील्ड है। हम लोग जो वेल्डिंग की बात करेंगे, हम लोग वेल्डिंग के स्ट्रेंथ के बात करेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में, वेल्डिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, रेदर देन कि वेल्डिंग के तरीके के बारे में, क्योंकि तरीके हमेशा डेवलप होते रहते हैं, और वो हमारा सब्जेक्ट मैटर अभी नहीं है इस वीडियो में। अगर कभी ज़रूरत होगी या कभी मन करेगा, इच्छा करेगी, तो उसके बारे में भी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अभी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी ज़रूरत है, सिविल, एक सिविल इंजीनियर को जितने वेल्डिंग से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी बात करने की कोशिश करते हैं। वेल्डिंग जो होता है, अभी जो है तीन चार तरह का होता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, अब जैसे ये मेटल पीस को जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल करंट इधर से फ्लो करते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेल्ट हो सकता है, और इसके बीच में हम लोग बैटरी या कुछ जोड़ देते हैं, और एक इधर से माइनस को जोड़ देते हैं इस मेटल से, और दूसरा जब यहाँ पे इससे स्पार्किंग होती है तो आर्क निकलता है, जब इसको टच करते हैं ना, सर्किट कम्प्लीट होता है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रोड को टच करते हैं तो आर्क निकलता है, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर बहुत जल्दी पहुँच जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, उसके जगह से यहाँ पे जो है मेटल जो है प्लाज्मा स्टेट में पहुँच के जुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया। तो वेल्डिंग करके बेसिकली, अभी तो बहुत बेसिक्स बातें कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा जान लें कि वेल्डिंग कनेक्शन से फ़ायदे क्या हैं। देखिए, अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, रिवेटेड कनेक्शन या बोल्टेड कनेक्शन। रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन में सबसे बड़ा डीमेरिट क्या था, सबसे बड़ा डीमेरिट अगर कोई पूछे तो उसमें आपको ये बताना है कि वेल्डेड या रिवेटेड कनेक्शन में हमें मेटल के अंदर होल करना पड़ता है। जैसे अगर ये एक मेटल पीस है और ये एक दूसरा मेटल पीस है, इसको मुझे जोड़ना है वेल्डिंग रिवेट के थ्रू या बोल्टिंग के थ्रू, तो क्या करेंगे, एक यहाँ होल करेंगे, एक यहाँ होल करेंगे, और दोनों को यहाँ प्लेस कर देंगे और इसके अंदर रिवेट डाल देंगे, तो कनेक्ट हो जाएगा। तो
तो बेसिकली ये प्रोसेस जो होता है, इसमें हमने क्या किया कि होल कर दिया एक मेटल के अंदर। इधर से अगर हम लोग देखना चाहें तो हम देखेंगे कि मेटल में एक होल हो गया है। अब होल हो जाने की वजह से क्या होता है, मेटल अगर इसमें टेंशन आएगा तो इस सेक्शन में, बोल्ट के होल के सेक्शन में, मेटल के जो पार्ट है, पोर्शन है, उसका वेट, सॉरी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो कम हो जाने की वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा था पहले, तो एफिशिएंसी कम होती है होल की वजह से। लेकिन वेल्डेड कनेक्शन में काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी हम लोग पा सकते हैं, कई बार 100%, अगर कुछ डिफेक्ट्स को इग्नोर कर दें तो 100% बट वेल्ड वगैरह में 100% एफिशिएंसी के ज्वाइंट हम बना सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो है बहुत हाई एफिशिएंसी है। बाकी जो मैंने पॉइंट्स नोट किए थे मैं आपको बता देता हूँ। वेल्डेड कनेक्शन में होल करने की ज़रूरत होती नहीं है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। नो होल, होल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें कोई होल नहीं बनाना पड़ता। मैं लिस्ट आउट कर देता हूँ, नोट करना चाहें तो कर लीजिए, बट इतना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। नो होल तो इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब देखिए, जब आप बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस डिजाइन करेंगे वेल्डेड कनेक्शंस में, जैसे मूवमेंट कनेक्शन वगैरह है, कोई जिसमें ज़्यादा लोड्स आ रहे हैं, तो उसमें कई सारे प्लेट्स, लग एंगल, गसेट प्लेट, ये प्लेट, वो प्लेट, सपोर्टिंग प्लेट्स ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। उन प्लेट्स का, गसेट प्लेट और एडिशनल प्लेट जो पैकिंग प्लेट है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, माने कम पड़ती है। हो सकता है कई केसेस में पड़े, लेकिन वेल्डेड कनेक्शन की अपेक्षा कम पड़ती है। उससे क्या होता है कि वेट जो होता है ना, ओवरऑल स्टील का वेट जो है कम हो जाता है, क्योंकि प्लेट्स वगैरह कम लगाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इकोनॉमिकल हो जाता है डिज़ाइन। तो यहाँ पे लिखते हैं फिलर प्लेट, तो इकोनॉमिकल होगा, वेट, ओवरऑल वेट जो है स्ट्रक्चर का कम होगा तो इकोनॉमिकल होगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमें पैसे, इकोनॉमिकल होने का पैसे। अब जैसा कि हमने बात किया है कि होल नहीं है तो एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी इसके लैंग्वेज वगैरह आप पढ़ना चाहें तो बुक्स वगैरह से पढ़ लीजिए। अब ये देखिए, ये जो बल्की नहीं होता है, थोड़ा सा स्लिम होता है कनेक्शन। क्यों स्लिम होता है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्लेट वगैरह ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बेटर लुक होता है इसका। लुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन। और जहाँ भी डिजाइन की बात आती है, डिजाइन वर्ड आता है, वहाँ पे लुक बहुत, लुक भी एक फैक्टर होता है। स्ट्रेंथ के अलावा लुक भी एक फैक्टर होता है। कपड़े उपड़े खरीदते हैं तो उसमें कपड़ों का डिजाइन होता है, तो डिजाइन में क्या है, लुक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद उसका फैब्रिक कैसा है ना, उसमें बटन कैसे लगे हैं, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उन सब बारे में बाद में सोचते हैं, लेकिन लुक सबसे पहले मैटर करता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में लुक भी एक फैक्टर है, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना कि देखने में अजीब सा लग रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे डिजाइंस को। अब देखिए, एडवांटेजेज हैं तो इसमें ज़रूर कुछ डिसएडवांटेजेज भी होंगे, तो कुछ डिसएडवांटेजेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, वेल्डिंग जो होता है ना, दो मेटल को जोड़ रहे हैं, हो सकता है मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो उतना ब्रिटल ना हो, डक्टाइल हो, बट जो वेल्डेड कनेक्शन जो ज्वाइंट होगा ना, वो कंपेरेटिवली ब्रिटल होता है ना। तो ब्रिटल होने के चलते उसमें क्रैक आ सकते हैं, ब्रिटल होता है इसलिए क्या हो सकता है, क्रैक डेवलप हो सकता है ना। और ब्रिटल में एक और होता है, लेस फैटिक रेजिस्टेंस। फटिक क्या होता है, रिपीटेटिव लोड, जैसे ये मोड़ रहे हैं ना ये बुक को, ऐसे ऐसे एक बार 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 अगर रिपीटेशन में उसको सीधा मोड़े, सीधा करे और मोड़े, तो उसको फटिक कहते हैं। तो उसके प्रति जो जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं ना, वो फटिक को रेजिस्ट कम कर करते हैं, तो लेस फटिक रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। तो ये एक डिसएडवांटेज है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम डिजाइन करेंगे वेल्डेड कनेक्शन में, तो हमें देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा लंबा वेल्ड के डिज़ाइन में उसको कंसिडर करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या होगा वेल्डिंग में, वेल्डिंग में जब वेल्ड करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करते हैं ना दोनों मेटल्स को। जैसे मान लीजिए ये प्लेट मुझे वेल्ड करना है, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, हम बीच में वेल्ड करना चाहते हैं, तो वेल्ड करेंगे तो हीट करेंगे। अब होता क्या है कि हीटिंग जब हम करते हैं तो कई बार होता है कि कहीं पर अब हाथ है, हाथ से अगर कर रहे हैं तो
कई बार कहीं रुक गया थोड़ा सा मेरा इलेक्ट्रोड वहाँ पे, किसी पॉइंट पे ज़्यादा रुक गया, किसी पे कम रुका, तो क्या होगा, जहाँ ज़्यादा रुका वो ज़्यादा हीटेड हो जाएगा, और जब हम चलाते ऐसे जा रहे हैं, यहाँ रुक गया तो ज़्यादा हीटेड हो गया तो ये ज़्यादा पिघल गया, फिर ये थोड़ा जहाँ कम रुके वो थोड़ा कम पिघला, तो इससे क्या होता है, हीट ज़्यादा कम हीट होने से क्या होता है, इसमें डिस्टोर्शन पैदा हो जाता है, डिस्टोर्शन पैदा हो सकता है। तो वेल्डिंग करने में अगर वेल्डर ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है और उसने अगर उल्टा सीधा हीटिंग कर दिया तो मेटल ख़राब भी हो सकते हैं, जो हमारे मेटल पीसेज हैं वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें डिसएडवांटेज है। तो डिस्टॉर्शन हो सकता है ड्यू टू अनइवन हीटिंग। देखिए मेरा एम ये रहता है कि आपको बेसिक फंडे जो है ना बहुत क्लियर हो जाएं। एक बार जब बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा तो फिर आप डिटेल में जब डिजाइन करेंगे तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी भी चीज़ के बारे में, आपका एक ओपिनियन होगा। ओपिनियन तभी बन सकता है जब आप ऊपर नीचे आगे पीछे सारी चीज़ें जाने, इसीलिए आपको ये सारा चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट स्ट्रेंथ करके एक फॉर्म एक आपको एग्जांपल बता देता, उससे भी आपका काम चल जाता, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता। लेकिन आप ओपिनियन एक्सपर्ट जिसको कहते हैं ना, वो शायद अपने आप को नहीं कह पाते ऐसे केसेस में, इसीलिए मैं आपको ये इतने सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी थोड़ा ये नया सेटअप है, अभी मैं कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हुआ हूँ तो इसलिए ये छोटा बोर्ड है, पहले बड़ा बोर्ड था, अब देखिए इसमें दो हो गया। तीसरा इसी से रिलेटेड है, डिस्टॉर्शन क्यों होगा, वर्कमैनशिप ख़राब होगा, वेल्डर की ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, नहीं हमें क्या चाहिए, बहुत स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। तो ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छे वेल्डर ढूंढना, अच्छे इंजीनियर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। फर्जी लोग तो बहुत मिलते हैं, बोलेंगे मुझे वेल्डिंग आती है, लेकिन सही में उनको उस लेवल का स्किल है कि नहीं, जिस लेवल का आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो स्किल लेबर की ज़रूरत है। उसके बाद जो है चौथा जो है, ये एक्चुअली कंपेयर टू जो है आपका इसका जो रिवेटेड कनेक्शन था, रिवेटेड कनेक्शन में क्या करते थे कि मान लीजिए जैसे हमें अगर बट वेल्ड करना है तो हमने अपना प्लेट रख दिया, इसके ऊपर से कनेक्टिंग प्लेट रख दिया, फिर होल कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। अगर इसका सेक्शन देखेंगे तो आपका ऐसा आएगा, इसके ऊपर ये प्लेट है, नीचे प्लेट है, आपने ऐसे कनेक्शन कर दिया। इसमें क्या होता है, बीच में गैप होता है, उस गैप से बेनिफिट क्या है, ब्रीथविट है कि वो ब्रीदिंग गैप होता है। जब टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन के दौरान उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ब्रीद कर सकता है ये, तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रेसेज जो है ना वो डेवलप नहीं होते। सेकेंडरी स्ट्रेसेज किसे कहते हैं, एक स्ट्रेस डेवलप होता है जब आप ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस वगैरह डेवलप होता है स्ट्रक्चर के अंदर वो प्राइमरी स्ट्रेसेज है, और जो स्ट्रेसेस स्ट्रक्चर के अपने बिहेवियर अपने प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रेस कहते हैं। जैसे अगर सेल्फ वेट की वजह से कोई स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वो सेकेंडरी स्ट्रेसेज है, कोई डिस्टॉर्शन की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वेरिएशन से हो रहा है तो वो सेकेंडरी स्ट्रेसेज है। तो एक्सपेंसन नहीं है, नो एक्सपेंसन गैप, इसकी वजह से क्या है, ब्रीदिंग नहीं हो सकती, तो सेकेंडरी स्ट्रेस डेवलप करेंगे। तो आपको डिजाइन में सेकेंडरी स्ट्रेस के बारे में कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि इतना प्राइमरी स्ट्रेस है, इतना सेकेंडरी स्ट्रेस है, तो मेरा मेंबर क्या होगा। तो डिजाइन जब करेंगे तो इसको कंसीडर करके चलेंगे, तो ये एक एडिशनल स्ट्रेस डेवलप होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बट हाँ ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है, इंस्पेक्शन बहुत कठिन है, इंस्पेक्शन बहुत ही स्किल का काम है, हर आदमी के बस का बात नहीं है कि आप वेल्डिंग का इंस्पेक्शन कर सकें, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए और डिफ़िकल्ट भी है, कहीं ऊंचा है कहाँ कहाँ वेल्ड, अब जैसे ब्रिज में वेल्डिंग में अगर ब्रिज बनाया आप वो 100 फीट 50 फीट ऊपर है तो वहाँ जाके उस चीज़ों को वेल्ड करना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, उसको चेक करना है इस पर, जबकि रिवेट में और बोल्टिंग में चेक करना आसान है, जगह कोई भी गया गिन लिया इतने बोल्ट होने चाहिए ये होने चाहिए, लेकिन रिवेट को ऑब्जर्वेशन करके और भी कई सारे तरीक़ों से ये करते हैं, तो इंस्पेक्शन जो है मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट है। ये वीडियो का जो मेरा रिसोर्सेज है वो NPTEL से लिया गया है, तो अगर आप इसका ओरिजिनल वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो NPTEL को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ज़्यादातर कंटेंट और वहाँ के यहाँ के मैच करेंगे। तो ये है, मैंने आपको जानकारी दे दी आपके इसके लिए।
उसके बाद हाँ, ये जो पांचवा जो मैं बात कर रहा था क्वालिटी के बारे में, इसमें क्या होता है एयर पॉकेट्स वगैरह छूट जाते हैं, क्योंकि जब वेल्डिंग प्रोसेस होती है तो वेल्डिंग में क्या होता है, एक तो ये तो ये मेटल पिघला, अब बाद में इधर इलेक्ट्रोड आया वो भी पिघला, पिघलने के बाद सब घाल मिल किए, उसमें क्या हो जाता है बीच में एयर ट्रैप हो जाता है, एयर ट्रैप यानी एयर वॉइड हो जाता है वेल्डिंग के बीच में, तो उससे क्या होगा वीक हो जाएगा, एयर वॉइड होगा तो वो एक बहुत बड़ा इसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो वो डिफेक्ट कम से कम हो इसके लिए बहुत अच्छा स्किल चाहिए लेबर, जो अच्छा बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है, स्किल्ड लेबर चाहिए। तो ये है एयर जो है उसमें ट्रैप हो जाता है। और एक होता है इसमें स्लैग इंक्लूजन, मतलब इसके अंदर जो है ना स्लैग एक मटेरियल डालते हैं, वो क्या करता है उसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह को कम कर देता है वेल्डिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, जल्दी करने के लिए, आसानी से करने के लिए। तो वो स्लैग भी क्या होता है, वो कई बार क्या होता है कि वेल्डिंग के बीच में, अगर मान लीजिए यहाँ वेल्ड आया, ये वेल्डिंग मटेरियल आया, इसमें बीच में जुड़ा, बीच में ये घुस गया, स्लैग इंक्लूज हो गया उसके अंदर, इंक्लोज हो गया, तो फिर तो उसका कनेक्शन का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये एक डिफेक्ट डीमेरिट है। तो ये है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देखेंगे तो वेल्डेड कनेक्शन फार बेटर देन द रिवेटेड कनेक्शन आज के डेट में, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी अच्छी आ गई हैं कि वेल्डिंग करना इतना मुश्किल नहीं रह गया है। इवन बोल्टिंग तो आसान है, फिर भी रिवेटिंग तो बहुत मुश्किल है। अगर आज के टेक्नोलॉजी को देखें तो हर कोई चाहेगा कि वो वेल्डेड कनेक्शन को प्रीफर करें। तो कुछ और एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ा तो होता है कि इसमें फास्ट होता है, फटाफट वेल्डिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी निकलेगा। रिवेटिंग में क्या है, होल करो ये करो, उसमें भी फास्ट हो सकता है, लेकिन उससे फास्ट ये होता है। और अगर डिजाइन रिक्वायरमेंट है कंप्लीट रिजिड ज्वाइंट की, तो कंप्लीट रिजिड ज्वाइंट बनाया जा सकता है, लेकिन रिवेटिंग के केस में मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं गैप होने की वजह से क्या होता है, रिजिडिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन वेल्डिंग के केस में अगर हमें चाहिए फिक्स कनेक्शन, तो हम बना सकते हैं पूरा। इसमें नॉइज़ भी कम होता है काम करने के समय। देखिए बोल्टिंग में शायद नॉइज़ इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रिवेटिंग बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, क्योंकि उसमें ठोकना पड़ता है, लेकिन वेल्डिंग में उस कंपेरेटिवली नॉइज़ जो होता है कम होता है। और इसमें चौथा क्या है कि कोई भी किसी भी शेप का, एनी शेप का कनेक्शन कैन बी फैब्रिकेटेड, तो किसी भी शेप का वेल्डेड ज्वाइंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये और एडवांटेजेज हैं वेल्डेड कनेक्शंस का। अब देखिए ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो हो गया, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस आते हैं आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये जो हमने बैक में पढ़ा ये आपको औरा बनाने के लिए काफ़ी था। लेकिन अब हम आते हैं एक्चुअल काम के ऊपर, और वो जो एक्चुअल काम है वो है टाइप्स ऑफ वेल्ड, कितने तरह के वेल्ड हम लोग करते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, और उसके बारे में फिर हम लोग डिटेल डिजाइन के बारे में कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ इसमें इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो देखिए तीन तरह के बेसिकली वेल्डेड कनेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्ड होते हैं। पहला होता है फिलेट वेल्ड, उसके बाद होता है बट वेल्ड, तीसरा होता है प्लग वेल्ड। जिनको कुछ नहीं आता वेल्ड पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ देखिए, इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्हें उनका ये सुना हुआ होगा, ये जानते होंगे, लेकिन उसके बाद अगर फिर भी अगर आधी अधूरी नॉलेज है तो भी ध्यान से देखिएगा। देखिए दो मेटल सीट को जोड़ना है, दो मेटल प्लेट मेरे को जोड़ने हैं, एक मेटल का प्लेट ये है, एक मेटल का प्लेट ये है। इसको जोड़ने के दो तरीके हो, वेल्डिंग करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये दो मेटल के पीसेज हैं, इनको जोड़ना है ना, इनको जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं इसको अलाइनमेंट सेम प्लेन में रख के जोड़ दूँ, सेम प्लेन में रख के इस पर वेल्डिंग मार दूँ। दूसरा ये हो सकता है कि डिफरेंट प्लेन में एक के ऊपर एक रखूँ और तब वेल्डिंग मारूँ। जैसे अगर इसी को मैंने यहाँ पर टच कर दिया, इसको यहाँ पर करीब ले आया, सेम प्लेन में लेके आ गया, मान लीजिए यहाँ पर ले आया और उसके बाद वेल्ड कर दिया इसको, तो ये जो कहलाएगा इसको बट वेल्ड कहलाएगा। क्या होगा, इसमें प्लेन जो है सेम है,
दोनों मेटल पीसेस को सेम प्लेन में रख के हमने वेल्डिंग कर दी। उसके भी कितने सारे टाइप है आगे बात करेंगे, बट सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि सेम प्लेन में रखा। दूसरा तरीका, एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, है ना, उसके बाद हमने यहाँ और यहाँ वेल्ड कर दिया। प्लान अगर देखेंगे तो जैसे ये है प्लेट, ये दूसरा प्लेट है, है ना, ये नीचे चला गया है तो डॉटेड लाइन, और यहाँ पे वेल्ड हो जाएगी, यहाँ पे वेल्ड हो जाएगी। तो ये हो गया प्लान और ये हो गया एलिवेशन। तो इस तरह से ये क्या है, दोनों डिफरेंट प्लेन में है। अगर ये दोनों डिफरेंट प्लेन में रहें तो इसको कहते हैं फिलेट वेल्ड। सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ जानने के लिए अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। ज़्यादातर पाला हमको इसी वेल्ड का पड़ेगा, फिलेट वेल्ड का। ये करना इतना आसान नहीं होता है, हर जगह एक प्लेन में मिल जाए, है ना, एक प्लेन में मिलेगा सेम थिकनेस हो प्लेट की, सेम ये हो, तब जाके हो सकता है। तो कई बार ऐसा होगा तो हम बट वेल्ड करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको इसी का पाला। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, अगर आप डिजाइन इंजीनियर हैं तो भी ये तो आपको मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता होने का तो कोई स्कोप भी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस में ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आता है तीसरा, है प्लग वेल्ड। देखिए प्लग वेल्ड जो होता है ना, वो टाइप फिलेट वेल्ड का ही टाइप है। चलिए क्या होता है कि जब वेल्डिंग है, अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, वेल्डिंग के प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे, वेल्ड लेंथ कितना है, वेल्ड है, वेल्ड की थिकनेस कितनी है, है ना, थ्रोट थिकनेस कितना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन प्लग वेल्ड में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने एक एल वेल्ड निकाला, मान लीजिए कि हमने वेल्ड निकाला 150 mm, सपोज इसी वेल्ड की बात करते हैं, तो हमें डिजाइन रिक्वायरमेंट है 150 mm, और ये प्लेट की जो चौड़ाई है 100 mm है। अगर ऐसा होता है तो हम तो वेल्ड नहीं कर पाएंगे अगर हम यहाँ वेल्ड करेंगे, क्योंकि हमें जगह ही मिल रहा है 100 mm का, करना है 150 mm। तब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, स्लॉट बना देते हैं प्लेट को काट के। इस तरह से अगर हम ग्रूव बना दें, ऐसे स्लॉट बना दें, तो हमें क्या लेंथ मिलेगा। अब हम वेल्डिंग कहाँ, ऐसे यहाँ से ऐसे 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 पूरा वेल्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये जो स्लॉट वेल्ड होता है इसी को कहते हैं प्लग, स्लॉट बना देते हैं तो इसको कहते हैं एक तरह से ये प्लग वेल्ड है। तो ये हो गया आपका प्लग वेल्ड। इस तरह के हम लोग इसी को कहते हैं इंजीनियरिंग, ये दिमाग लगाया जाता है कि अरे यार मेरे पास लेंथ तो है नहीं, अब करूँ तो क्या, कैसे करूँ। तो इसी तरह किसी खुरापाती इंजीनियर ने निकाला होगा, उसके बाद ये देखा गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बेसिक कोर्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये तीन तरह के वेल्ड होते हैं। अब देखिए वेल्ड जानने से पहले हमें वेल्ड के नोटेशंस के बारे में भी काफ़ी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। वेल्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ड्राइंग में वेल्ड को कैसे दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें जानना इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पहले हम लोग लिखना पढ़ना समझेंगे, तब उसकी कहानी के बारे में, उसके ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो हम लोग कुछ पिक्चर्स के स्केच के थ्रू इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिलेट वेल्ड, तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब दोनों मेटल पीस एक प्लेन में ना हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में हो, तब हम उसको जोड़ेंगे तो उसको कहते हैं फिलेट वेल्ड। जैसे अगर मान लीजिए कि ये प्लेट है, है ना, और एक दूसरा प्लेट हम लोग इसको ऐसे जोड़ना चाहते हैं, है ना, ये प्लेट इस प्लेन में है, ये प्लेन इस प्लेन में है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई वेल्डिंग करें तो दिस इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड। एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, ये भी फिलेट वेल्ड होगा, ठीक है, ऐसे रखते हैं तब भी, ऐसे रखते हैं तब भी, एक प्लेन में नहीं है तो फिलेट वेल्ड होगा, ठीक है। अब फिलेट वेल्ड को नोटेशन में कैसे दिखाते हैं, वैसे ट्रायंगल की तरह, तो इसको कहते हैं स्क्वायर बट वेल्ड। अब बट वेल्ड में क्या चाहिए, हमें कोई भी वेल्डिंग करेंगे ना तो हमें एज प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है ताकि जो वेल्डिंग मटेरियल है वो उस जगह को फिल कर सके। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि मटेरियल जो है, जो पेरेंट मटेरियल है, उसी को पिघला के एक दूसरे में घाल मेल कर दिया जाए। तो ऐसा करना कर किया जा सकता है, लेकिन ये करना ज़्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर एक कोटिंग होती है, एक स्पेशल टाइप की कोटिंग होती है, उस कोटिंग की वजह से वो जल्दी पिघल जाता है और वो जाके जगह पे सेट हो जाता है।
लेकिन जो पेरेंट मटेरियल है उस पर कोई कोटिंग नहीं है, कोई स्पेशल तरह के ट्रीटमेंट करके वो एज तो बनाया नहीं गया है मटेरियल, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो उसको आसान करने के लिए हम लोग जब भी कोई वेल्ड करेंगे तो उसमें वेल्डिंग मटेरियल को फिल करने का जगह जरूर बनाएंगे। और वो जगह कैसे बनाते हैं, एज प्रिपरेशन करके। अभी ये जो वेल्डिंग किया हमने स्क्वायर बट वेल्ड, इसमें क्या किया, कुछ एज प्रिपरेशन नहीं किया, सिर्फ गैप प्रोवाइड किया और उसी गैप में वेल्डिंग मटेरियल को भर दिया। लेकिन एक दूसरे टाइप का भी बट वेल्ड कर सकते हैं जिसमें हम लोग जो एज प्रिपरेशन करते हैं वो भी शेप का करते हैं, है ना। इस तरह से पहले से एज को इस तरह से बना दिया, भी दोनों को मिलाया तो ये भी बन गया। अब इसमें क्या किया, वेल्डिंग मटेरियल को फिल कर दिया। तो इस तरह से ये भी एक तरह का बट वेल्ड है, लेकिन इसमें जो एज प्रिपरेशन किया वो हमने क्या किया, भी शेप का किया, है ना। तो इसको सिंगल भी बट वेल्ड बोलते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सारे जो मटेरियल के जो टाइप हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एज प्रिपरेशन के टाइप पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि अगर सिंगल भी है तो देर इज ए डबल भी, तो डबल भी बट वेल्ड भी होता है। तो उसके एज प्रिपरेशन ऑब्वियस सी बात है ऐसा करेंगे कि नीचे भी बने और ऊपर भी बने, है ना, इस तरह से। तो एक भी ये बन गया, एक उल्टा भी बन गया। अब इसमें इधर से नीचे से वेल्ड कर देंगे और इसमें ऊपर से वेल्ड कर देंगे। ये सारे वेल्ड कौन सा वेल्ड कहाँ करना है, ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे किस जगह पे वेल्डिंग कर रहे हैं। वो डिपेंड करेगा, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करेगा, फील्ड में करना है, शॉप में करना है, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसको ध्यान में रख के आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे फलाने टाइप का वेल्ड देंगे तो आसान रहेगा। तो इसको बोलते हैं डबल भी बट वेल्ड। ठीक है, अब ये तो वी शेप का है। उसके बाद एक वेल्ड होता है सिंगल यू। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक एज प्रिपरेशन ऐसा होगा कि ये मटेरियल एक है, ये दूसरा मटेरियल है और इसमें हमने ऐसा एज प्रिपरेशन अगर किया, है ना, और इसमें हमने क्या किया, फिल कर दिया। तो ये हो जाता है सिंगल यू बट वेल्ड। ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज पे। तो उसी तरह अगर ये सिंगल यू है तो अगला हम लोग क्या करेंगे, डबल यू। तो डबल यू में क्या होगा, इस तरह से एज प्रिपरेशन किया और इसमें भर दिया ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये हो गया डबल यू बट वेल्ड। ज़्यादा कुछ है नहीं, शेप एंड साइज के हिसाब से ही। जो अगला है वो है आपका, एक देखिए, एक को हमने स्ट्रेट रख दिया, दूसरे में ऐसे बीवेल बना दिया, है ना, और इसमें फिलिंग मटेरियल भर दिया। तो इसको बोलेंगे सिंगल बीवेल बट वेल्ड। क्यों बोलते हैं बीवेल, ये जो शेप होता है ना इसको बीवेल शेप कहते हैं। उसी तरह डबल शेप, डबल बीवेल बट वेल्ड कैसे होगा, ये दोनों तरफ बीवेल बना दिया ऐसा और इसको फिल कर दिया, तो ये हो जाएगा डबल बीवेल। ठीक है, सॉरी इसका नोटेशन बताने भूल गया। इसका नोटेशन डबल यू है तो इसको ऐसे दिखाते हैं नोटेशन में। सिंगल यू रहेगा तो सिंगल यू में एक लाइन होता है ऐसा, ये हो गया सिंगल यू, ये हो गया डबल यू। ठीक है, वो हम लोग एक स्ट्रेट और फिर ऐसे कर देते हैं, ये सिंगल वीवेल हो गया और डबल वीवेल में ऐसे दिखाते हैं, दिस इज डबल वीवेल। तो ये नोटेशंस होते हैं। तो अभी हमने जो बनाया था ये एक तरफ तो प्लेन रहेगा, दूसरी तरफ ऐसे सर्कुलर अगर शेप बना देंगे इस तरह से तो इसको डबल जे और यहाँ फिल कर देंगे तो इसको बोलते हैं डबल जे, और इसको ऐसे दिखाते हैं। इसमें और इसमें फ़र्क देखिए क्या है,
ये बीवेल है, डबल बीवेल, तो के से का होता है, इसमें भी के होता है लेकिन ये राउंड करके दिखाते हैं। तो उसी तरह सिंगल जे अगर बनाना हो तो एक तो स्ट्रेट रहेगा, दूसरे में सर्कल जो बनेगा सिर्फ ऐसा बनेगा। सिंगल बीवेल में कैसा बना था, वैसे एकदम स्ट्रेट तिरछा बना था, ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ यहाँ वैसे बनेगा जे शेप का, तो इसको सिंगल जे बोलते हैं, सिंगल जे बट वेल्ड। देखिए इसके अलावा और भी कई सारे टाइप के आपके जे बोल्ट वेल्डेड कनेक्शन हो सकते हैं, उसके नोटेशंस हो सकते हैं, तो आपको ज़रूर अप्रूव लिटरेचर कोड्स वगैरह देखना चाहिए। तो क्योंकि ये बेसिक्स हैं, आपको समझ में आ गया कि वेल्ड बहुत तरह के होते हैं और उसको शो करने के भी बहुत तरह तरह के तरीके होते हैं, और वो तरीके जो हैं आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं, और बहुत सारे डेवलप्ड जो बेसिक तरीके हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आप बाकी के कोड्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको और भी जो रिमेनिंग है वो आपको मिल जाएगा, मोटा मोटा तो सारे कवर हो चुके हैं। देखिए अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है शेप ऑफ वेल्ड। तो शेप ऑफ वेल्ड जो होता है वो तीन तरह का होता है, एक तो होता है फ्लैट, एक होता है कॉन्वेक्स, होता है कॉनकेव। ऑब्वियस ही बात है, फ्लैट का मतलब है जब वेल्डिंग सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो, पर से एकदम फ्लैट हो, यानी वेल्ड करके हमने उसके ऊपर ग्राइंडिंग करके उसको प्लेन कर दिया, दैट टाइप ऑफ वेल्ड इज कॉल्ड फ्लैट वेल्ड। तो ये फ्लैट है। और जब वेल्डिंग का जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, ऐसा ऐसा कुछ है, तो जनरली कहाँ, बट वेल्ड में इस तरह का होता है, फिलेट वेल्ड में भी इसी टाइप का होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स। और अगर ऐसा कटोरी बने ऊपर की तरफ तो इसको कहते हैं कॉनकेव, लिखा हुआ है, तो ये इस तरह के होते हैं। कॉन्वेक्स में क्या होता है, अगर ये फ्लैट और कॉन्वेक्स में देखें तो क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। कॉनकेव और फ्लैट को कंपेयर करें तो फ्लैट से कम मटेरियल कॉनकेव में लगेगा, तो मटेरियल कम होने की वजह से उसके स्ट्रेंथ और इसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो ये चीज़ें पॉइंट रखने वाली बात है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कौन सा वेल्ड है, अगर फ्लैट है तो उसका क्या थ्रॉट थिकनेस होगा, अगर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है, तो उस हिसाब से आपको एज्यूम करके कैलकुलेट करके थ्रॉट थिकनेस एंड अदर चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका कैलकुलेशन जो है परफेक्ट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर वेल्ड जो हमारे होंगे वो होगा फिलेट वेल्ड, तो हम फिलेट वेल्ड को ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी भी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड को डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो पहला है साइज, हम डिस्कस करेंगे फिलेट वेल्ड का साइज क्या होता है ना, साइज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, साइज कौन सा पार्ट होता है वेल्ड का, वो किसको हम लोग साइज कहते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। उसका दूसरा, उसका थ्रोट क्या होता है जिसे हम लोग थ्रोट थिकनेस कहते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखिए दो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक थ्रोट होता है, एक साइज होता है। साइज ऑफ वेल्ड इज डिफरेंट, थ्रोट थिकनेस इज डिफरेंट। तो कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, बट दोनों बोथ आर डिफरेंट। कई बार दोनों को एक ले सकते हैं, इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड, सिंगल फिलेट वेल्ड, ऑब्वियस ही बात है परमिसिबल स्ट्रेस तो ये नौ चीज़ें जो हैं, जब भी हम फिलेट वेल्ड का डिज़ाइन करेंगे, फिलेट वेल्ड के बारे में बात करेंगे, तो ये नौ चीज़ें जो हैं हमें समझनी पड़ेंगी। समझने के बाद इन नौ चीज़ों की गणना कैलकुलेशन करना है, और वो जब हम एक बार समझ जाएंगे तो फिलेट वेल्ड के डिज़ाइन बहुत ही आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइज ऑफ वेल्ड किसे कहते हैं। साइज ऑफ वेल्ड देखिए, जैसे एक फिगर मैंने बना रखा है, एक प्लेट ये है आपका, दिस इज वन प्लेट, और ये है कब दो दूसरा प्लेट, इन दोनों को वेल्ड कर रहे हैं इस तरह से रख के। तो ये वाला जो है हमने ये फ्यूजन करके फिलेट वेल्ड बनाया है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हाँ, तो ये जो है ये वेल्ड है, ठीक है। इस वेल्डिंग का अगर यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो दिस इज कॉल्ड लेग, फिर यहाँ से यहाँ भी मेजर करेंगे तो दिस इज कॉल्ड लेग, है ना। और ये होता है वेल्ड फेस।
वेल्ड में जो है इसको कहते हैं रूट, दिस इज रूट, इसको कहते हैं टो और इसको कहते हैं टो। तो फिलेट वेल्ड में क्या होंगे, दो टो होंगे, वन रूट होगा। ये वेल्ड फेस है, वेल्ड फेस अभी किस शेप का है, कॉनकेव फेस, कॉन्वेक्स फेस है ना। ऑलरेडी हमने बात किया है कि कॉनकेव सरफेस होता है या कॉन्वेक्स सरफेस होता है, तो ये कॉन्वेक्स वाला है। अच्छा, अब बात होती है कि साइज किसे कहते हैं। तो देखिए साइज जो होता है ना, साइज इस वेल्ड का साइज ये होगा, लेग दो लेग है, लेग वन और लेग टू, इन दोनों में जो छोटा होगा, मिनिमम लेग जो होता है इज कॉल्ड साइज, साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम यहां पे मिलाते हैं तो यहां अगर एकदम एक स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट है। ये एक्स्ट्रा डिपॉजिट जो होता है इससे थोड़ा सा वेल्ड में स्ट्रेंथ आती है और भी कई सारे प्रॉपर्टीज बढ़ जाते हैं, तो उसका फायदा होता है, इसीलिए हम लोग जो है कॉन्वेक्स सरफेस प्रीफर करते हैं। चलिए अब साइज ऑफ वेल्ड के बारे में, मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए आईएस कोड में, आईएस 2007 में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप कोड से देख सकते हैं, मैंने ये टेबल यहाँ लिखा है। और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये टेबल क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके साइजेस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप स्टील डिजाइन या वेल्डिंग डिजाइन करें खासकर। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है मेंबर की, जैसे ये दो मेंबर है ना, इन दो मेंबर को जोड़ना है तो इसकी थिकनेस दी हुई है, जैसे ये अगर नोट कर लेते हैं, दिस इज टी, टी इज द थिकनेस। तो कहता है कि अगर 0 से 10 mm का प्लेट को जोड़ना है, 0 से 10 mm, तो मिनिमम थिकनेस, मिनिमम वेल्ड साइज 3 mm होगा। वेल्ड साइज 3 से बड़ा हो सकता है, मिनिमम 3 mm होगा। और अगर 10 mm से लेके 20 mm के बीच हो, यहाँ पर देखिए लिखा है ओवर mm, यानी अगर 10 mm का प्लेट है तो आपको ऊपर वाले लाइन से, ऊपर वाले रो से जाना है, इस रो से नहीं जाना है, यानी 10 mm का है तो 3 mm होगा, अगर 11 mm का है तो आपको इस रो से देखना है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कोड में इसी तरह से लिखा है, अदरवाइज मैंने हमें यहाँ 11 से 20 लिखता, लेकिन कोड में लिखा है तो हमें उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो ये 10 से 20 में 5 mm का वेल्ड होगा मिनिमम वेल्ड, ये मिनिमम वेल्ड साइज है। वेल्ड साइज आप डिसाइड करोगे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, जो भी चाहें आपके हिसाब से, जो भी अवेलेबिलिटी हो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि वेल्ड की साइज क्या होगी, लेकिन वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हो गया 20 से लेके 32 mm तक होगा, तो इसकी साइज होती है 6 mm थिक, 6 mm का वेल्ड साइज मिनिमम लेना ही लेना है आपको, उससे कम वेल्ड होगा अगर इतना थिकर प्लेट होगा तो नहीं करना है, है ना। और 32 से 50 mm का वेल्ड होगा तो 8 ऑफ फर्स्ट रन और 10 फॉर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, है ना। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होगा अगर आपको एक ही रन करना है, एक ही रन करना है तो मिनिमम साइज जो होगा 10 mm होगा, लेकिन अगर आपको मल्टीपल रन करने हैं तो फर्स्ट रन जो होगा वो 8 mm का होगा, उसके बाद जो फर्दर है 10 mm का हो सकता है। तो ये है, एक टेबल दी है, इस टेबल को आप भी जरूर पढ़िएगा। उसके नीचे एक नोट्स दिया है, उस नोट्स से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना हो सकता है, तो उस नोट्स का भी थोड़ा सा जिक्र कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको समझिए, ये कोड में जो बातें लिखी है ना, एक्चुअली पढ़ते रहना चाहिए, और मैं भी हर चीज़ कोड का नहीं बताऊँगा, मैं तो बेसिक्स थ्योरीज बताने की कोशिश करूँगा इस क्लास में, बट सिंस हमारा ये टॉपिक है वेल्डेड कनेक्शंस, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा अभी बता देता हूँ। तो देखिए नोट आप पढ़ेंगे ना, तो नोट में जो चीज़ें लिखी हैं वो कहता है कि अगर आपने एक 10 mm का प्लेट लिया और इसके साथ अगर मान लीजिए आपको 2 mm का प्लेट जोड़ना है सपोज, और ये 10 mm का है, तो कहता है कि ऐसे केस में आप देखिए 0 से 10 mm तक का थिकनेस मिनिमम साइज कितना होता है, 3 mm होता है, लेकिन प्लेट की थिकनेस अगर 3 mm से कम हो, मिनिमम थिकनेस साइज से कम हो, या मिनिमम थिकनेस साइज से कम है 2 mm है, ऐसे में जो मिनिमम वेल्डिंग साइज होगी दैट विल बी 2 mm ओनली, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टू द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट,
है ना, अगर दो प्लेट को जोड़ रहे हैं पहला, और जोड़ने के बाद उन दोनों प्लेट के हिसाब से जो मिनिमम थिकनेस है वो थिनर प्लेट के थिकनेस से ज़्यादा है, तो आपको मिनिमम थिकनेस वेल्ड का कितना लेना है, थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। और इसमें ऐसा है कि अगर थिकर पार्ट, ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस हो गया कि अगर मान लीजिए दो प्लेट को जोड़ना है, एक 50 mm थिक है मान लीजिए और दूसरा है 20 mm थिक, अगर इनको जोड़ना है तो मिनिमम 8 mm होगा या 10 mm होगा आपके डिज़ाइन के हिसाब से, बट बोलता है कि आपको प्री हीट करना चाहिए जो ज़्यादा थिकर है, 50 mm से अगर ज़्यादा है तो प्री हीट करके वेल्डिंग करना चाहिए, तभी वेल्डिंग अच्छे से हो पाएगी, अदरवाइज वेल्डिंग में डिफेक्ट रह जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि हीटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो कहीं पे फ्यूजन होगा कहीं पे फ्यूजन नहीं होगा, तो आपके कैलकुलेटेड स्ट्रेंथ शायद ना मिले। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 50 mm से ज़्यादा थिक प्लेट है तो उसको प्री हीट कर लें। उसके बाद देखिए ये जो हमने फिगर बनाया था, जिसे फिगर बनाते हैं, दो प्लेट को जोड़ना है और हमने वेल्ड बनाया, वेल्ड हमने कई रन बनाया, और ये जो डीप पेनेट्रेशन अगर हो जाता है और ये पेनेट्रेशन अगर 2.4 mm तक हो जाता है, तब जो वेल्ड की साइज होगी ये लेग साइज प्लस 2.4 mm, ये भी IS कोड में दिया हुआ है, तो इसको भी जरूर आप कोड में देखिएगा। तो ये थिकनेस के बारे में, मिनिमम साइज के थिकनेस के बारे में ये सारी चीज़ें हैं, और जो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होता है, इसको भी मिटा देता हूँ, मैक्सिमम साइज होता है थिनर पार्ट माइनस 1.5, यानी अगर मान लीजिए ये 40 mm का प्लेट है, ये 30 mm का प्लेट है, तो थिनर कितना है 30 mm है, तो मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा 30 - 1.5, यानी ये जो वेल्ड होगी 28.5 तक होगी मैक्सिमम, 28.5 mm से ज़्यादा इन दो प्लेट को जोड़ने के लिए हमें फिलेट वेल्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। तो थिनर प्लेट के थिकनेस से 1.5 mm हमें कम लेना है। तो ये तो हो गई प्लेट, अगर दो प्लेट को जोड़ेंगे, लेकिन अगर एंगल को जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए कि कोई एंगल है ना, ऐसे कोई एंगल को जोड़ रहे हैं किसी प्लेट से, तो यहाँ फिलेट वेल्ड डाल रहे हैं, तो कहता है कि 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एंगल को जोड़ेंगे तो 3/4 ऑफ द नॉमिनल थिकनेस ऑफ द एंगल। तो ये जो बात हुई मैक्सिमम और मिनिमम थिकनेस। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा लंबा वीडियो है, पेशेंस रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये सब, और ये सब इतने अच्छे से कोई पढ़ाता नहीं है, क्लास इंजीनियरिंग कॉलेज में तो शायद ही कोई पढ़ाता होगा, या तो फिर आपको बहुत मेहनत करके ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बेटर है वीडियो देखिए पूरा, है ना। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बारे में। मैं वो इमेज एक बार फिर से बनाता हूँ, ठीक है, ये हमने इमेज बनाया था और ये हमारा वेल्डिंग था, ठीक है। हमने बोला था कि दिस इज एल, लेग ए है। हम लोग एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं जिसमें लेग L1 और L2 जो है ना दोनों बराबर हैं, दोनों लेग, कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेग बराबर है, और इसको कहते हैं हम S, दिस इज साइज ऑफ रिवेट। अगर दोनों लेग बराबर हैं तो किसी को भी S कह लीजिए, तो ये साइज ऑफ रिवेट है। थ्रोट थिकनेस, ये अंदर का शेडिंग हटा देता हूँ। अब देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स है, इसको हम ट्रेंगुल स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम अपने कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, अपने थ्रोट में इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको वो एक्स्ट्रा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। चलिए इसको ना इतना दूर को जूम करके बना देता हूँ, ये हो गया, ये एस है, ये एस है, और ये हमने क्या कर दिया, ए बी सी और ये पॉइंट डी डाल दिया, और ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है जो अभी हमारे पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में नहीं है। हमें जो थ्रोट थिकनेस होती है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं थ्रोट थिकनेस, दिस इज थ्रोट टी। टी का वैल्यू कितना होगा, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद थोड़ा बहुत कैलकुलेशन किया होगा, तो उन्हें पता होगा कि टी का यूज करते हैं, टी का वैल्यू कितना लेते हैं,
टी का वैल्यू लेते हैं 0.7s। अब ये कैसे होता है ये इसमें समझाते हैं। आसान है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान हैं। तो हमें परपेंडिकुलर जो है राइट एंगल से परपेंडिकुलर डालेंगे हाइपोटेनस पे, तो उसकी लेंथ निकालनी है। देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर BC स्क्वायर अगर लिखें तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल से है ना, तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हैं। BC को लिख सकते हैं अंडर 2 into BD स्क्वायर इज इक्वल टू 2s स्क्वायर है ना, तो BD का स्क्वायर बराबर ये दो दो चार हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा तो s स्क्वायर बाई 2 यानी s बाई रूट 2। दिस वैल्यू विल बिकम s बाई रूट 2। हमें निकालना है ये, अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ ये हाइपोटेनस इसमें AB हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर हमें निकालना है, एस बाई रूट टू हमें पता है, एस पता है का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर एस स्क्वायर। आसान हो गया, अब टी स्क्वायर बराबर इसको स्क्वायर बाहर अंदर कर दीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए तो एस स्क्वायर माइनस ये बाहर जाएगा एस स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं एस स्क्वायर बाई 2 और टी बराबर एस बाई रूट 2 है ना, तो रूट 2 का 1/√2 का वैल्यू जो होता है 1/√2 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.707, तो इसको ले सकते हैं 0.7। तो यहाँ से आ गया टी बराबर 0.7s। तो इसको कहते हैं हम लोग इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, जो भी है। तो इतना सारा कैलकुलेशन समझने के लिए ठीक था, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको, ये वाला चीज़ याद रखनी है, बाकी सब अब याद हो गया तो अब कभी भूलोगे नहीं, समझ गए तो ज़रूरत पड़ेगी तो डेराइव कर लोगे, कैसे होता है समझ जाओगे। इस फार्मूले को थोड़ा सा हम जनरलाइज करते हैं, ऑलरेडी मैंने एक वैल्यूज लिखी है इसको बताता हूँ थोड़ी देर में। इसको अगर जनरलाइज करेंगे तो T is equal to KS लिखते हैं। ये 0.7 वैल्यू कैसे आया था, जब इनके बीच का दो प्लेट के बीच का एंगल 90 डिग्री था तो ये 0.7 होगा। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पर ना होके मान लीजिए प्लेट्स ऐसे हों है ना, केस हो सकता है ना कि एक प्लेट को ऐसे ऐसे जोड़ना हो, ये हो 80 डिग्री हो, तो ऐसे केसेस में इस K का वैल्यू क्या होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड कम कैलकुलेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोड इसमें आपका हेल्प करेगा और कोड यही ये जो फैक्टर आपका K इसका वैल्यू यहाँ से दे देता है और ये एंगल है एंगल बिटवीन प्लेट्स, तो इस तरह का अगर है वैल्यू 60 से 90 डिग्री है तो 0.7 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, अगर ये 60 डिग्री भी होता है तब भी आपको 0.7 ही लेना है ना। 91 से 100 डिग्री हो तो इस फैक्टर को कितना लेना है 65। हेल्प करता है कोड, कोड पढ़ते रहेंगे तो आप टीडीएस कैलकुलेशन से बच जाएंगे है ना, इसलिए कोड बनाया गया है, तो कोड पढ़ते रहिए, तो भी जब इच्छा करे पढ़िए अगर टाइम मिलता है तो हाँ ठीक है ना। और 101 से 106 का 0.6, 107 से 113 0.55, 114 से 120 0.5, इस वैल्यू को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये सारी चीज़ें कोड में दी हुई है ना, तो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा हम कोड ढूंढ लेंगे। और जहाँ तक आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात है तो इतनी टफ क्वेश्चन आएगा नहीं, इसी में से आएगा, 90 डिग्री वाले में से 0.7 याद रखिए, काम आपका चल जाएगा। प्रोफेशनल लोग पता रखें कोड में ये सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत हो तो कोड खोल के देखा जा सकता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ रिवेट के बारे में, सॉरी लेंथ ऑफ वेल्ट के बारे में। देखिए ये सब चीज़ें हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, थ्रोट थिकनेस साइज ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वेल्डिंग को डिजाइन करना चाहते हैं। और एक्चुअली वेल्डिंग को डिजाइन कैसे करेंगे, हम उसका एरिया निकालेंगे, हम उसका देखिए जैसे इस वेल्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो ये कहाँ से टूटेगा, यहाँ से क्रैक हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो क्रैक होगा तो इसकी स्ट्रेंथ कौन देगा, इस सरफेस का एरिया, और ये सरफेस का एरिया कितना होगा, ये थ्रोट थिकनेस गुना लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द वेल्ड L into T,
ये एरिया होगा वेल्ड का, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो जो भी हमारा कैलकुलेशन से एरिया आता है ना, उसके हिसाब से जो भी हमने लेंथ कैलकुलेट किया, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। लेकिन वो इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव कब होगा, हमें कितना लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अगर हमने कोई वेल्डिंग की, सपोज मैंने एक प्लेट ऐसे जोड़ा, इसके ऊपर एक और प्लेट जोड़ा है ना, और इसमें ऐसे ऐसे वेल्ड कर दी। वेल्ड जहाँ से जहाँ तक की एल, इसको कहेंगे ओवरऑल लेंथ। और अगर हमने यहाँ तक की तो इसको इफेक्टिव लेंथ कितना मानेंगे, कैलकुलेशन में कितना यूज करेंगे, ओवरऑल लेंथ माइनस 2 × S, यानी इस एज पे साइज ऑफ रिवेट, साइज ऑफ रिवेट इतना लेंथ को इग्नोर कर देंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, उसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, ओवरऑल लेंथ माइनस 2S। ये तो पहली बात है कि इफेक्टिव लेंथ अगर हमने ये किया। दूसरा, मिनिमम साइज अगर हमारा S है, फिलेट वेल्ड का साइज अगर S है, तो मिनिमम जो वेल्डिंग करनी है हमें 4S तो करनी ही है, ठीक है। तो लेंथ जो होगा, L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4S। मतलब क्या है कि अगर L टोटल लेंथ अगर वेल्ड का 4S से कम रखेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से वो जीरो हो गया लेंथ। तो अगर 6 mm का मान लीजिए आपका वेल्ड साइज है, तो कहीं भी आपको वेल्डिंग प्रोवाइड करना है तो 6 × 4 यानी 24 mm का वेल्ड तो देना ही है मिनिमम, उससे ज़्यादा देना है, उससे कम अगर आता है तो भी आपको 24 mm देना है। तो ये भी बात आपको मिनिमम लेंथ के बारे में आपको समझ के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप डिजाइन करेंगे ना, तो हर पॉइंट का जो भी अभी डिस्कस हुआ उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। बोर्ड छोड़ देता हूँ, अगर आपको कुछ मिस हो रहा है तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बताने को अभी बहुत कुछ है वेल्डेड कनेक्शन में, लेकिन बेसिक्स जो हैं और जो टर्मिनोलॉजी है इस वीडियो में सारी एक्सप्लेन हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉर्मूलेज और डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो आपकी पूरी जो है जानकारी इसमें हो जाएगी। मैं फिर भी कहता हूँ, सारी जानकारी सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की वीडियो देखने से नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन डू एनीथिंग, है ना, तो ये ज़रूर हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि करना कैसे है। कोड्स आपके पास रहेगा, कोड सामने रखिए, उसको देखिए कहाँ पे क्या है, कोड में हर चीज़ लिखी हुई है, और ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से कोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।